एक गांव में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। प्रीति की देखभाल के लिए उसके पापा ने एक यामिनी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। यामिनी बहुत ही घमंडी और बुरी औरत थी। यामिनी की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम मोना था। वो भी अपनी माँ की तरह ही बहुत ही घमंडी थी। एक दिन दोनों माँ बेटी शॉपिंग करके घर वापस आती हैं, जहाँ पर मोना की माँ ने मोना के लिए बहुत सारे नेकलेस खरीदे थे। उन नेकलेस को मोना बैठकर देख रही थी। तभी इतने सारे नेकलेस देखकर प्रीति भी सोचती है कि काश उसके पास भी नेकलेस होते। फिर प्रीति बहुत हिम्मत करके अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, माँ मोना के पास इतने सारे नेकलेस हैं, क्या उनमें से मैं एक नेकलेस ले सकती हूँ? खबरदार, अगर तूने ऐसा सोचा भी तो महारानी को नेकलेस चाहिए। जा यहाँ से और अपने बाप से कह, वो दिलवाएगा तुझे नेकलेस। उसके बाद प्रीति उदास होकर अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है, पापा मोना के पास बहुत सारे नेकलेस हैं, पर मेरे पास एक भी नेकलेस नहीं है। मुझे भी नेकलेस चाहिए पापा। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें नेकलेस चाहिए? कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें दिला देता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर प्रीति अपने पापा के साथ मार्केट जाकर अपने लिए एक सुंदर सा नेकलेस लेकर आती है। प्रीति उस नेकलेस को अपने सामने रखकर देख ही रही थी और बहुत खुश हो रही होती है कि तभी मोना उसके कमरे में आती है। वो प्रीति के नेकलेस को देखकर बहुत ही जलन महसूस करती है और अपनी माँ को बुलाने लगती है। माँ माँ देखो तो, ये नया नेकलेस लेकर आई है, मुझे भी ये वाला नेकलेस चाहिए। ये वाला नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही है तू? माँ मुझे भी ये नेकलेस चाहिए, देखो ना ये नेकलेस कितना प्यारा है, मुझे ये नेकलेस अभी चाहिए। देखो ना प्रीति बेटा, तुम्हारी बहन कितना रो रही है, वो अभी बहुत छोटी है, तुम ये नेकलेस इसको दे दो। उसके बाद प्रीति उस नेकलेस को चुपचाप अपनी बहन को दे देती है और दिल ही दिल में बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जल्दी से अपने पापा के पास जाती है। पापा अभी आपने जो मुझे नेकलेस दिलाया था, वो नेकलेस तो मोना ने ले लिया है, मुझे अभी आप एक और नेकलेस दिला दीजिए ना। बेटा अभी मेरे पास और पैसे नहीं है, जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए, पर जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें नया नेकलेस दिला दूंगा। ऐसा बोलकर प्रीति के पापा वहाँ से चली जाती है। प्रीति अपने पापा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और एक पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी रोते रोते उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटा क्यों रो रही हो तुम? आप कौन है? पहले ये तो बताओ बेटा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? मेरी माँ नहीं है, वो तो बचपन में ही चली गई। मैंने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा और अब पापा भी मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना पहले करते थे। मेरे घर में मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। अरे बेटा उदास मत हो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। क्या सच में आप मेरी माँ हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकी और मैं यहाँ तुमसे मिलने चली आई। फिर प्रीति अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और पानी की बारिश की जगह आसमान से सुंदर सुंदर नेकलेस गिरने लगते हैं। ये देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये पानी की जगह नेकलेस कैसे गिर रहे हैं? बेटा तुम्हें नेकलेस चाहिए थे ना, इसीलिए मैंने नेकलेस की बारिश करवाई है। तुम्हें जितने भी नेकलेस चाहिए तुम उतने ले सकती हो और कल हम इसी जगह दोबारा मिलेंगे। उसके बाद प्रीति जल्दी से कुछ नेकलेस उठा लेती है और उसे अपने घर पर लेकर आ जाती है। घर लाने के बाद उसकी सौतेली माँ इतने सारे नेकलेस देखकर उससे बोलती है, अरे ओ महारानी, इतने सारे नेकलेस कहाँ से लाई है, कहाँ से चोरी किया है तूने? अच्छा तो तू अब चोरी भी करेगी।
ये मुझे मेरी माँ ने दिए हैं। मैंने इन्हें कहीं से भी नहीं चुराया। आप मेरा यकीन कीजिए माँ। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? जल्दी से बता, वरना अब तुझे बहुत ही ज्यादा मार पड़ेगी। उनकी ये बातें सुनकर प्रीति के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं, अरे क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही हो भाग्यवान? अच्छा हुआ जी जब तुम आ गए। और पूछिए अपनी महारानी से, ये इतने सारे सोने के नेकलेस कहाँ से चुरा कर लाई है? बेटा प्रीति, सच सच बताओ, ये नेकलेस तुम कहाँ से लाई हो? पापा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये मुझे मेरी माँ ने ही दिए हैं। लेकिन आप लोग यकीन ही नहीं कर रहे। अगर आपको यकीन ना हो तो कल आप इसी टाइम मेरे साथ चलकर देख लीजिएगा। माँ मुझसे मिलने कल फिर से आने वाली है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? एक दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हारी ये अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाती हैं। उनकी ये बातें सुनकर प्रीति बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अगली सुबह दोबारा अपनी माँ से मिलने आ जाती है। घर में प्रीति को ना पाकर उसकी सौतेली माँ और उसके पापा उसकी बताई हुई जगह पर उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे प्रीति अपनी माँ के साथ बात कर रही थी। ये देखकर वो बहुत हैरान और परेशान रह जाते हैं और प्रीति के साथ कल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ अपनी माँ से बता रही थी। ये सब देखकर प्रीति के पापा और उसकी सौतेली माँ को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों आगे आकर प्रीति से माफ़ी मांगने लगते हैं। प्रीति के पापा अपनी मरी हुई पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं और उससे वादा करते हैं कि वो प्रीति को हमेशा खुश रखेंगे। ये सुनकर प्रीति की माँ वहाँ से चली जाती है और उसके बाद प्रीति अपने घर वालों के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगती है। महक की माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता आलोक ने अपने ऑफिस में काम करने वाली सुमित्रा नाम की एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली थी। सुमित्रा का भी पहले पति से एक विक्रांत नाम का बेटा भी था। बेटी महक, ये तुम्हारी नई माँ है और ये तुम्हारा छोटा भाई विक्रांत। आज से हम सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। बेटी, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया लेकिन मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तुम मुझे माँ कहकर बुला सकती हो। लेकिन महक कुछ भी नहीं बोलती और गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है। देखा आपने, चाहे हम उसे कितना भी प्यार क्यों ना दे दें, लेकिन वो हमें पराया ही समझेगी। इधर महक अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा मन ही मन बोली, बड़ी मुश्किल से मेरी आलोक से शादी हुई है और बहुत जल्द सारी प्रॉपर्टी भी मैं अपने नाम करवा लूंगी, लेकिन इस लड़की की वजह से मैं यहाँ चैन से नहीं रह पा रही हूँ। इसे देखकर मेरे पूरे तन बदन में आग लग जाती है। जल्दी ही कुछ करके इसे इस घर से भगाना होगा। सुमित्रा के मन में महक के लिए कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी, लेकिन आलोक के सामने वो महक से प्यार से बात करने का नाटक किया करती थी। सुमित्रा का बेटा विक्रांत भी वही करता था जैसा कि उसकी माँ उसे करने को कहती थी। ऐसे ही एक दिन आलोक हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी विक्रांत उनके पास आ गया और बोला, पिताजी, मुझे स्कूल से ड्राइंग का प्रोजेक्ट मिला था। मैं महक दीदी की मदद लेने उनके कमरे में गया तो दीदी ने मेरी प्रोजेक्ट फाइल ही फाड़ दी। अरे बेवकूफ, इतनी सी बात पिता को बताने की क्या जरूरत थी? और आप भी इसकी बातों की ओर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। छोटी बच्ची है बेचारी महक, उसे थोड़ा वक्त लगेगा हमें अपनाने में। अभी अभी तो उसने अपनी माँ को खोया है ना। फिर एक दिन सुमित्रा महक के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में जाती है। बेटी महक, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो बेटा। लेकिन उस समय महक बाथरूम में नहा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर सुमित्रा ने खाने की प्लेट कमरे से बाहर फेंक दी और बाहर आकर नाटक करके बोली, अरे ये क्या कर दिया तुमने बेटी, खाने का ऐसे अनादर नहीं करते हैं। खाने की प्लेट कमरे से बाहर गिरी हुई देखकर
महक के पिता को बहुत गुस्सा आया और वो महक को डांटने के लिए उसके कमरे में जाने लगे। तभी सुमित्रा उन्हें रोकते हुए बोली, अरे अरे रुक जाइए, आप उसे कुछ मत कहिए, छोटी बच्ची है ना, थोड़ा नाराज है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित्रा, इसका बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम उसका उसकी सगी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती हो, पता नहीं उसे और क्या चाहिए। आप चाहे जितना भी कह लें, पर मैं तो हूँ उसकी सौतेली माँ ना, मेरा भी मन करता है कि वो मुझे माँ कहकर बुलाए, लेकिन अरे तुम रो मत, मैं महक को हॉस्टल भेज दूंगा, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। जब ये बात महक को पता चलती है कि उसके पिता उसे हॉस्टल भेजने वाले हैं, ये सुनकर महक बहुत दुखी हुई और बैठकर रोने लगी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए महक रोते रोते सो गई और फिर उसके सपने में उसकी माँ आई और उसने बोली, बेटी महक तुम बिल्कुल मत रोना, तुम्हें रोता देख मुझे बहुत तकलीफ होती है। बेटी तुम हमेशा खुश रहना, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं तुम्हें एक जादुई नेकलेस दे रही हूँ, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। जब सुबह महक नींद से जगी तो उसने देखा कि सचमुच एक जादुई नेकलेस उसके पास रखा हुआ है, जो कि उसकी माँ ने सपने में उसे दिया था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर था। अरे मैं तो सपना देख रही थी, माँ को सपने में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि माँ हमेशा मेरे साथ हैं। उनका दिया हुआ जादुई नेकलेस भी मेरे पास ही है, अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। फिर महक अपनी माँ के दिए हुए जादुई नेकलेस को अलमारी में रखने लगी। लेकिन तभी महक को अलमारी में नेकलेस को रखते हुए सुमित्रा ने देख लिया। अरे वाह, कितना सुंदर नेकलेस है, इस सुंदर से नेकलेस को तो मेरे पास होना चाहिए। फिर जब महक किसी काम से बाहर गई, तो सुमित्रा चुपके से उसके कमरे में घुस गई और जल्दी से जादुई नेकलेस निकालकर पहन लिया। तभी अचानक जादुई नेकलेस एक रस्सी में बदल गया और उसे कस के जकड़ लिया। अरे ये क्या हो रहा है, कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर महक की माँ का साया प्रकट हुआ और ये देखकर सुमित्रा की हालत खराब हो गई। भूत, अरे अरे कोई बचाओ मुझे। मेरी बेटी को तुम परेशान करती रहोगी, और तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मेरे पति के पास फौरन जाओ और अपनी सारी सच्चाई बताओ, जो भी तूने मेरी बेटी के साथ किया है वो भी। अगर नहीं बताया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, जो तुम कभी भी सोच भी नहीं सकती। नहीं नहीं, मुझे माफ करना, मैं अभी जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताती हूँ, पहले पहले मुझे आजाद तो कर दो। फिर अचानक से रस्सी वापस जादुई नेकलेस में बदल गई और अपने आप अलमारी में जा पहुँची। ये सब देखकर सुमित्रा बहुत डर गई और तुरंत जाकर आलोक को सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर आलोक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम कैसी औरत हो, सौतेली माँ आखिर सौतेली माँ ही होती है, ये तुमने साबित कर दिया। मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी बेटी को अपने से दूर करने का सोच लिया था, तुम जैसी औरत को तो धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, वरना मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएगा, आपके सिवा हमारा इस दुनिया में और कौन है, मुझे सबक मिल चुका है, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए सुमित्रा ने आलोक के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। तभी वहाँ महक आ पहुँची और बोली, पिताजी इन्हें माफ कर दीजिए, ये कहीं नहीं जाएंगी, ये यहीं पर हमारे साथ रहेंगी, जो हुआ उसे भूल जाइए पिताजी। महक की बात सुनकर सुमित्रा को अपने किए पर पछतावा हुआ। फिर महक से भी सुमित्रा ने माफी मांगी। उस दिन के बाद से सुमित्रा के व्यवहार में बहुत ही बड़ा बदलाव आया और वो महक को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और इस तरह सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे।